पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आचार संहिता लागू होने के बाद मुरादाबाद में जिला प्रशासन पूरी तैयारी में लगा है। चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिले की पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा शहर में मौजूद असलहों की दुकानों की चेकिंग की गई, साथ ही दुकान पर मौजूद कारतूस और बंदूकों की खरीदारी और बिक्री का मिलान किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। मुस्तैदी के साथ पुलिस इस चुनाव को सकुशल संपन्न कराना चाहती है, कहीं कोई घटना ना हो। और सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग क्षेत्रों में आलमीरा की दुकानों को चेक किया गया और वहां पर मौजूद बंदूकें कारतूस सभी चेक किए गए। इस दौरान सीओ कोतवाली बलराम सिंह ने बताया कि चुनाव के लिहाज से अलग अलग दुकानों पर पहुंचकर जांच की जा रही है और खरीद तथा बिक्री का मिलान भी किया जा रहा है। 2019 की कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सर्किल कोतवाली क्षेत्र में स्थित शस्त्र विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की विगत 6 माह में कारतूसों के क्रय एवं विक्रय स्टॉक से मिलान कर भौतिक रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। सर, क्या ये सर्किल क्षेत्र अलग अलग जगहों पर आपके द्वारा किया गया निरीक्षण? हाँ, अलग अलग कई जितनी भी दुकानें हैं वहाँ उनका सबका निरीक्षण किया जाना है। जो कर लिए हैं कुछ कर लिए और कुछ अभी जो शेष है उनको आगे करने जा रहा हूँ। अब तक के निरीक्षण में सब कुछ सही? हाँ, अब तक के निरीक्षण में भौतिक रूप से स्टॉक से और जो मिलान किया गया सही मिला है।